हमीरपुर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण करने पर सख्त रवैया अपनाते हुए बाल स्कूल के सामने शिक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमण वाली जगह पर पीला पंजा चलाया। हालांकि दोपहर बाद तक दुकान के मालिक जिला प्रशासन के अधिकारियों के आगे दुकान को न गिराने को लेकर अड़े रहे, लेकिन दोपहर बाद मौके पर जिलाधीश राकेश कुमार प्रजापति, SP रमन कुमार मीणा, SDM अरिंदम चौधरी ने पहुंचकर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। बता दें कि बाल स्कूल के सामने शिक्षा विभाग की जमीन पर करीब डेढ़ दशक से अतिक्रमण करके दो मंजिला दुकान बनाई गई थी। वहीं जिला प्रशासन ने करीब 10 दिन पहले अतिक्रमणकारी को 10 दिन का नोटिस देकर दुकान खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज 10 दिन बाद अतिक्रमण वाली दुकान को जमींदो दर्ज कर दिया गया। वहीं दुकान मालिक संदीप नंदा ने इस कार्यवाही को गलत बताया और कहा कि जबरदस्ती सारा सामान खाली करवाया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों को फ्री में सामान भी दिया गया है। वहीं दुकान नीलामी के दौरान नगर परिषद से ली गई है, लेकिन प्रशासन ने बिना वजह से ही दुकान को गिराया है। JCB लगा के तोड़ देंगे, आपको भी नीचे दबा देंगे, जबरदस्ती सारा माल इन्होंने खाली करा दिया। इंडक्शन चूल्हा, लड़ियां और एक 4000 रुपए की सिम, 4 2 नंबर 4×2, और जो वैध निर्माण है उसको गिराने की कोई चेष्टा नहीं की गई। मैंने कमेटी से ओपन ऑक्शन में शॉप ली है, जिसका मैं 9000 रुपया महीने का किराया देता हूँ, और रसीदा मेरे पास है, आज तक किराया दिया है, मेरा एडवांस उनके पास पड़ा हुआ है। इस बारे में DC हमीरपुर राकेश प्रजापति ने कहा कि सालों पुराने अतिक्रमण को हटाने के लिए कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी जगह पर अतिक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा। इसमें एक रिपोर्ट आई थी कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो जमीन है उस पर अतिक्रमण था, और इसमें बाकायदा पूरी लीगल कार्रवाई करने के उपरांत आज उस इंक्वेस्टमेंट को हटा दिया गया है। बिल्कुल, शहर में जो अतिक्रमण है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जैसे भी हमारे पास रिपोर्ट्स होंगी पूरी लीगल कार्रवाई के बाद जहां भी इनको इंक्रोचमेंट्स पाए जाएंगे उनको हटाया जाएगा।